Hi everyone, this is Ria and welcome back to my channel. जैसे कि आप लोग जानते हो आजकल कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे कौन से प्रिकॉशंस यूज करने चाहिए। आप लोगों ने सबने न्यूज चैनल देखा होगा, हर जगह सबको पता लग जाता होगा कि मोदी जी क्या कह रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए। जी हाँ, आप लोग जितना हो सके बाहर निकलना, घर से बाहर निकलना अवॉइड करें, जितना ज्यादा हो सके अवॉइड करें, बिल्कुल भी घर से बाहर निकलने का सोचें ही ना। तो इससे आपका कॉन्टेक्ट नहीं होगा किसी भी ऐसे पेशेंट के साथ जिससे आपको ये कोरोना वायरस होने का खतरा हो सकता है। सेकेंड प्रिकॉशन ये है कि आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में अपने हैंड वॉश अच्छे से करने चाहिए, यहां तक आपको करना चाहिए ताकि बिल्कुल कहीं पे भी अगर आपका लग गया कोई वायरस या कुछ भी, कोई जर्म्स रहने ही नहीं चाहिए आपकी बॉडी के ऊपर, वो अच्छे से क्लीन हो जाना चाहिए। आपको मिनिमम 40 सेकेंड्स तक अपने हैंड को अच्छे से वॉश करना चाहिए और आपको ये वॉश जो करना है ये आपको हर आधे घंटे बाद जरूर करना चाहिए। एंड इन केस अगर आपको किसी भी सिचुएशन में घर से बाहर जाना भी पड़ता है तो आप बिना हैंड सैनिटाइजर के घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि हैंड सैनिटाइजर्स मार्केट में अवेलेबल ही नहीं हो रहे बिकॉज उनकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई है, बहुत ही रेयर मिल रहे हैं, और अगर मिल भी रहे हैं तो वो कोई ब्रांडेड नहीं मिल रहे, मतलब किसी को कुछ पता नहीं कि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं है, वो हम जो यूज करें वो फेक तो नहीं है। तो उस केस में मैं आपको एक ऐसा DIY बताऊंगी जो बहुत ही इजी है बनाना और उसे ज्यादा देर नहीं लगती, विद इन 5 मिनट्स वो रेडी भी हो जाता है और उसके लिए आपको ज्यादा कुछ लेने की जरूरत भी नहीं है। तो अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, हम सीधा चलते हैं DIY पे। तो अगर हम बात करते हैं कि हमें ऐसे कौन कौन सी चीजें चाहिए अपना DIY बनाने के लिए, तो सबसे पहले हमें एक चाहिए एम्प्टी बॉटल। आप कोई भी पंप वाली या ऐसे की कोई भी बॉटल ले सकते हो जिसमें एक अच्छा खासा होल हो, आप देख सकते हो इसमें होल है, ये देखो, और इसे बहुत ही इजीली ये जो सैनिटाइजर वो बाहर आ जाएगा। ये मेरी कोई पुरानी घर में बॉटल थी, मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया हुआ। आप ऐसे कोई भी, आपके घर में भी बहुत सारी ऐसे मिल जाएंगी बॉटल्स, कोई भी आप बॉटल यूज कर सकते हो। इनफैक्ट आप मार्केट से भी लेने जा सकते हो, पंप वाली जो बॉटल आती है वो हार्डली 20-30 रुपीज की आती है, एम्प्टी बॉटल, आप वो भी यूज कर सकते हो। और हमारा जो सबसे मेन चीज है अल्कोहल, और जैसे कि आप जानते हो कि डॉक्टर्स कह रहे हैं आजकल आपको अल्कोहल वाला ही यूज करना चाहिए, आप कोई और चीज मत यूज कीजिए बिकॉज अल्कोहल ही है जो आपके सारे जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जैसे मार्केट में ये आती है स्पिरिट आती है, ये है रबिंग अल्कोहल या इसे आप स्पिरिट भी कह सकते हो, ये मोस्टली डॉक्टर्स यूज करते हैं अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें सैनिटाइज करने के लिए, या मतलब काफी ज्यादा ये हॉस्पिटल्स में तो यूज होता है, और ये कुछ ब्यूटी ब्लॉगर्स यूज करते हैं जैसे उनका मेकअप का थोड़ा सामान खराब हो जाता है वो लोग इसे यूज करते हैं, तो हम ये यूज करेंगे। और वन मोर थिंग कि जैसे कहा जाता है कि अगर आपको प्योर सैनिटाइजर चाहिए तो उसके लिए आपको 70% ऑफ अल्कोहल चाहिए उसमें, तो हम ये 70% यूज करेंगे। एंड हमारा जो सेकंड बेस जो हम यूज करने वाले हैं वो है एलोवेरा जेल। आप ओरिजिनल एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो, किसी ब्रांड का भी यूज कर सकते हो, मैं यहाँ ये पतंजलि का यूज करने वाली हूँ। थर्ड चीज है हमें अपने हैंड्स को मॉइस्चराइज करना है, और मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ ये एलमंड ऑयल यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आप ग्लिसरीन डाल सकते हो, या आप विटामिन ई का एक कैप्सूल डाल सकते हो, आप इनमें से कोई भी एक चीज डाल सकते हो। एंड उसके अलावा जो सबसे लास्ट चीज है वो है एसेंशियल ऑयल, और सबसे मेन एसेंशियल ऑयल होता है ये TT एसेंशियल ऑयल। ये मैंने आपको शायद आगे भी बताया होगा अपनी वीडियोस में, TT जो है ये एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल होता है, तो ये जो है ये आपके जितने भी जर्म्स होंगे उन्हें फिनिश करने में हेल्प करेगा, उन्हें डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और अगर आपके कोई छोटा सा कट भी लगता है या कुछ भी, तो ये मेडिसिनल वर्क करता है, ये बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने देगा, तो ये आप बिल्कुल भी स्किप मत करें अगर आप घर में बना रहे हैं तो। और ये साथ में मैं लेमन का एसेंशियल ऑयल भी डालूंगी बिकॉज इसमें भी वही सारी प्रॉपर्टीज हैं जो इसमें होती हैं, बट इस चीज को आप स्किप ना करें, अगर आपके पास है तो आप ये जरूर डालें। तो हमें बस यही चीज चाहिए, और एक मिक्सिंग बाउल चाहिए, एक एम्प्टी बाउल चाहिए जिसमें आप ये मिक्स कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सैनिटाइजर के लिए मैंने जो अल्कोहल है वो इस बाउल के अंदर डाल दी है। ये मैं आप
को बताने के लिए थोड़ी सी बना रही हूँ बिकॉज मेरे पास अभी सैनिटाइजर अवेलेबल है. तो यहाँ जो मैंने जो प्रोपोर्शन लिया है वो है 7 टीस्पून. ये अभी मैं आपको सॉरी मैंने दिखाना भूल गई, मैं वीडियो को शूट करना भूल गई थी तो मैंने इसके अंदर ऑलरेडी डाली है. ये 7 स्पून हैं जो इसके अंदर मैंने डाले हैं. अब इसी में मैं 3 स्पून डालूंगी एलोवेरा जेल के. One, 2 and 3. ये मैंने 3 स्पून इसमें इसके एलोवेरा जेल के डाल दिए. अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे. जो लोग फ्रेश एलोवेरा जेल यूज करने वाले हैं उन्हें थोड़ी मिक्स करने में इसे प्रॉब्लम होगी. वो लोग क्या करें, इसे चाहे किसी भी मिक्सी में या कहीं पे भी ब्लेंड कर लें, अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा किसी भी ब्लेंडर के साथ, तो आपको उसमें कोई लम्स नहीं दिखेंगे और एलोवेरा जेल आपको बिल्कुल सेपरेट सेपरेट नहीं लगेगी, वो एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगी. अब ये जो है ये अच्छे से मिक्स हो गया है. अब मैं इसके अंदर जो एलमंड ऑयल है वो डालूंगी. जैसे कि आपको मैंने बताया मैं काफी थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो मैं ये वैसे अगर आप फुल बॉटल एक बना रहे हो तो आपको एक पूरा टीस्पून इसका डाल देना चाहिए. मैं इसका 1/2 टीस्पून से भी कम डालूंगी. अब ये जो है ये मॉइस्चराइज करने का काम करे. इसकी जगह पे आप ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हो या आप ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हो. अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है. अब इसके अंदर मैं आपको एसेंशियल ऑयल डाल के दिखाती हूँ. अगर आप फुल बॉटल बना रहे हैं तो आपको टी ट्री ऑयल के कम से कम 7 to 8 drops उसमें ऐड कर लेने चाहिए. मैं इसके अंदर सिर्फ 2 drops ऐड करूं क्योंकि मेरी क्वांटिटी बहुत ही कम है. अब इतनी ही क्वांटिटी जितनी टी ट्री ऑयल की गई है मैं लेमन एसेंशियल ऑयल की भी डाल सकती हूँ. आप लेमन एसेंशियल ऑयल स्किप भी कर सकते हो, और अगर आपके पास लेवेंडर ऑयल है या रोजमेरी है ऐसा कुछ है जो बहुत ही प्यारी सी खुशबू देते हैं, अब वो एसेंशियल ऑयल भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो ताकि जो हम सैनिटाइजर यूज करने वाले हैं उसमें से कोई हमें अल्कोहल की स्मेल ना आए, हमें बहुत ही प्यारी सी खुशबू आए. अब मैं इसे ऐड कर दूंगी. ये मैंने 2 to 3 drops दोनों एसेंशियल ऑयल्स की इसके अंदर मिक्स कर ली है. तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया मैं आपको इसे अपनी बॉटल के अंदर डालकर दिखाती हूँ. ये देखिए मैंने सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी बनाई है. इसे जब भी यूज करना है आप इसे इस तरह से पहले शेक कीजिए. ये देखिए हैंड बहुत अच्छे से आ रहा है और ये बहुत ही अच्छे से आपके हैंड में से उड़ भी गया. आप देख सकते हो जैसे ये आप जानते हो जो नॉर्मल होते हैं वो बहुत ही जल्दी से ड्राई हो जाते हैं आपके हैंड्स. अगर आप नॉर्मल हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे हो आप देख सकते हो बिल्कुल भी मार्क नहीं, और मेरे हैंड के सारे जर्म्स अच्छे से फिनिश हो गए. बट यस एक और आपको बात करनी मैंने बतानी थी कि जब भी आप किसी भी बॉटल के अंदर डालो उस बॉटल के ऊपर पहले मेंशन कर दो कि इसके अंदर हैंड सैनिटाइजर डाला हुआ है ताकि उसे कोई भी गलती से यूज ना कर ले. जैसे कि ये स्किन टोनर की बॉटल है, मैं यहाँ ये मार्कर ले रही हूँ स्किन टोनर को कट करके उसकी जगह पे मैं हैंड सैनिटाइजर का लिख दूंगी ताकि मेरी फैमिली में किसी को भी ये गलत फहमी ना हो कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ और क्या नहीं.
जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके ऊपर मैं हैंड सैनिटाइजर हर जगह लिख दूंगी. ये देखिए हैंड सैनिटाइजर, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया हुआ है. कैप के ऊपर भी मैंने सब जगह ये मार्कर के साथ अच्छे से लिख दिया. मैंने परमानेंट मार्कर का यूज किया है. अगर आप परमानेंट मार्कर नहीं है आपके पास, तो आप लोग किसी भी पेपर के ऊपर लिख के किसी पेन के साथ उसे सेलो टेप के साथ ऊपर चिपका दें, ताकि किसी को भी कोई गलत फहमी ना हो कि इसके अंदर क्या है. मैं आपको एक बार दोबारा ये यूज करके दिखाती हूँ ये कितना अमेजिंग बना है. और इसके बारे में हमें पूरी गारंटी भी, क्योंकि हमने ये खुद बनाया है, हमें इसकी प्योरिटी के बारे में बहुत ही अच्छे से सब पता है. और इसकी कोई बहुत ज्यादा गंदी वाली अल्कोहल की स्मेल भी नहीं आ रही. और ये देखो मेरे हैंड्स अच्छे से सैनिटाइज भी हो गए. तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों को पता चलना चाहिए कि हैंड सैनिटाइजर को बनाना बहुत ज्यादा इजी है. और आपको कोई जरूरत नहीं है मार्केट से इतने कॉस्टली सैनिटाइजर्स परचेज करने की. और जो मैंने आपको बताया था ये स्पिरिट के बारे में, या ये जो रबिंग एल्कोहल है, ये जो है ये बहुत कॉस्टली नहीं आती. ये एक ही बॉटल देखो मेरी कितनी सी बस यूज हुई है, हार्डली इतनी मैंने यूज की है. और ये मेरी बॉटल आई है 50 रुपीज की. आपको मार्केट में इसे छोटी वाली बॉटल भी मिल जाएगी 20 रुपीज से आई थिंक स्टार्ट हो जाएंगी. यानी बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगी आपको. ये बहुत ही इजी और सबसे सस्ता और प्योर वे है हैंड्स को सैनिटाइज करने का.